दोस्तों लाइफ में सब कुछ छीना जा सकता है, चोरी हो सकता है, पर किसी भी व्यक्ति की काबिलियत ना ही तो कोई छीन सकता है, ना ही चोरी हो सकती है, जो हमेशा ही बढ़ती रहती है। मगर आज की जनरेशन काबिलियत पर नहीं, कामयाबी पर फोकस करती है। फेल होती है, बेरोजगारी बढ़ाती है, लाइफ में लोग लूजर कहलाते हैं। इसलिए कामयाब होने के लिए नहीं, लाइफ में काबिल बनने के लिए आगे बढ़ो। एक्सीलेंस का पीछा करो, कामयाबी जक मार के आएगी। और फिर ऐसे ही इंडियन फास्ट बॉलर आवेश खान ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी पान की दुकान से उठकर अपनी काबिलियत पर फोकस कर 10 साल की उम्र से गली मोहल्ले से अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया। और 24 की उम्र में उनकी बॉलिंग स्टेट से इम्प्रेस होकर 2022 में उनकी बिडिंग हुई आईपीएल में, और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 10 करोड़ में खरीद लिया। क्या आप सोच सकते हो, जिस बच्चे घर की इनकम 10,000 से ज्यादा नहीं थी, उस घर के बच्चे को एक दिन खेलने की 10 करोड़ फीस मिलेगी। दोस्तों कामयाबी कभी चलकर नहीं आती, हमेशा कामयाबी तक खुद को जाना पड़ता है, जिसका काबिलियत इकलौता रास्ता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आवेश खान ने इंदौर क्रिकेट क्लब में कोच अमरदीप पठानिया के पास बॉलिंग स्किल्स पर काम कर 13 साल की उम्र में जब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में ट्रायल देने गए, तब एक्स इंडियन क्रिकेटर अमय खुर्सिया ने 500 बच्चों में से सिर्फ आवेश को सिलेक्ट कर साबित किया, हम सब में कोई ना कोई पैदाइशी काबिलियत जरूर होती है, जिसे आवेश खान ने बचपन से ही एक्शन में बदल दिया। लेकिन अंडर 16 के दौरान जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब गवर्नमेंट के एक्शन प्लान के दौरान रोड साइड पर उनकी पान की दुकान बंद होने की वजह से घर के हालात बहुत खराब हो गए। ऐसा इंसिडेंट किसी भी बच्चे को अपने गेम से हिलाकर रख सकता है। पर दोस्तों कहते हैं ना, जिस बच्चे में काबिलियत हो उसके लिए परेशानी भी कुछ नया सीखने का जरिया बन जाती है। और फिर आवेश खान ने बुरे दौर में भी अपनी काबिलियत पर भरोसा कर अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपने मेंटल गेम को भी स्ट्रॉन्ग बनाकर 2016 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम इंडिया में दूसरी बार खेलकर साबित किया, सक्सेस कभी किसी को काबिल नहीं बनाती, बल्कि आपकी काबिलियत आपको सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों कामयाबी कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि उसमें सालों का स्ट्रगल होता है। कई बार सपने टूटते हैं, पर काबिलियत हमेशा डटकर खड़ा रहने की हिम्मत देती है, फिर से कोशिश करने का कॉन्फिडेंस पैदा करती है। इसलिए आवेश खान को उनकी काबिलियत के दम पर 2017 आईपीएल में सिर्फ 10 लाख में खरीदा गया। मगर आवेश ने टीम इंडिया के कभी बैकअप बॉलर, कभी नेट प्रैक्टिस बॉलर, तो कभी रिजर्व प्लेयर के तौर पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए अपनी बॉलिंग वेरिएशन से 3 साल तक अपनी काबिलियत को 100 times मल्टीप्लाई किया, तब जाकर उनकी बिडिंग हुई आईपीएल 2021 में, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 70 लाख में खरीद लिया। मगर आवेश खान ने एमएस धोनी और विराट कोहली जैसे लेजेंड को क्लीन बोल्ड के साथ साथ इस आईपीएल में 24 विकेट लेकर साबित किया कि हमें अपने आप को हमेशा ट्रेन करते रहना चाहिए, ताकि इंसान का अगर सब कुछ भी चला जाए तब भी वह उसे अपनी काबिलियत के दम पर फिर से दोबारा हासिल कर सके। दोस्तों 2022 में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के विरुद्ध 20-20 मैचों में आवेश की बॉलिंग स्टेट से इम्प्रेस होकर उनकी बिडिंग हुई आईपीएल 2022 में, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 10 करोड़ में खरीदकर आईपीएल हिस्ट्री में सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बना दिया। और फिर आवेश खान ने भी पूरे टूर्नामेंट में एक बार फिर हिस्टोरिकल 18 विकेट लेकर डेडिकेटली अपनी काबिलियत को पूरी शिद्दत से निभाया, जिन्हें शायद इसी काबिलियत की वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज के लिए टीम इंडिया में सिलेक्ट किया गया है। दोस्तों समाज में लोगों की कोई वैल्यू नहीं, जो सिर्फ एक संख्या है, अगर वैल्यू है तो उसकी काबिलियत की। इसलिए अपने आप को सुधारो, काबिल बनाओ, और याद रखो अगर आवेश खान अपनी काबिलियत बढ़ा सकता है तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो आप अपनी काबिलियत ना बढ़ा सको। इसलिए हम आपकी काबिलियत और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों ये थे आवेश खान। अगर आप आवेश के फैन है तो इस वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।